स्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था और सुचारू मतदान के लिए बटियागढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इसके पूर्व थाना प्रभारी मनीष मिश्रा और बीट प्रभारियों द्वारा संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों को शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा नियमन तिराहे पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखकर परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालक यहां वहां भागते नजर आए। कुछ वाहन चालकों के कागजों में कमी पाई गई, उनके चालान काटे गए। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के द्वारा बताया गया कि तीसरे चरण के चुनाव को लेकर यह कार्रवाई शुरू की गई है। एसीएन रिपोर्टर विनोद उदयनिया की रिपोर्ट। तीन पहिया चार पहिया 500 रुपए से कम चालान नहीं होता, मोटरसाइकिल में होता 250 रुपए का कटे की नहीं कटा दादा। बताओ साहब से काम फोर व्हीलर लाए, बताओ पहले कहां आया था आपको। आगामी 8 जुलाई को बटियागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव है, पंचायत चुनाव है। इसको देखते हुए हम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और जिन वाहनों में कोई कमी पाई जाती है उसके लिए हम उनके चालकों का MB एक्ट चलान कर रहे हैं।